वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज आपको हम लेके चलेंगे समस्तीपुर के फेमस मणिपुर दुर्गा मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है और मानता है कि वहाँ आप जो भी मांगेंगे माता वो आपके विश को पूरा करेंगी। उससे रिलेटेड एक और कहानी है कि जब पहले ये मंदिर छोटा हुआ करता था, तो जब इसको तोड़ के बड़ा बनाया जाने लगा तो जो पुरानी मूर्ति थी उसे पास के ही गंडक नदी में विसर्जित किया गया, जो कि मूर्ति बहते हुए पानी में वो आगे जाके नरहन गांव के पास रुक गई और वहाँ एक जो धोबी होता है उसको सपने में माता ने दर्शन दिया कि मैं नदी में यहाँ पे हूँ, तो मेरा मंदिर बनाओ और मेरी पूजा करो। तो उसने जाके उस मूर्ति को निकाला और वहाँ स्थापित किया और आज वहाँ पे एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। और यहाँ भी जो मंदिर था वो पहले से बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल मंदिर बनाया गया है। इसमें बजरंगबली का भी जो है करीब 50 फीट ऊंचा मूर्ति बनाया गया है, जो कि बहुत ही देखने में भव्य लगता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तू जाने तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है, जो सदाएं हवाएं हवाएं। गाइज आपको बता दूं, ये मणिपुर दुर्गा मंदिर समस्तीपुर टाउन से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने के लिए आपको ऑटो टैक्सी वगैरह भी इजिली मिल जाएगी। गाइस हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं, लेकिन सम्राट को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, रात को ठीक से सो नहीं पाया था और मैं इसे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये जाग नहीं रहा है। गाइस देखिए, ये है समस्तीपुर का फेमस मणिपुर दुर्गा मंदिर। चुना रा बीचा
यहाँ आके एक बहुत ही शांति, सुकून और एक एनर्जी की फीलिंग हो रही है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। भगवान से क्या मांगना है? बल, बुद्धि, विद्या। हनुमान चालीसा की लाइन है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। इन तीन के सिवा भगवान से कुछ नहीं मांगना। इन्हीं तीनों का तो बाई प्रोडक्ट है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।